प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ पौधा लगाने के लिए। प्लांटर्स को बगीचे में या घर के अंदर रखा जा सकता है। इंडोर या आउटडोर दोनों तरह के पौधे लगाए जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेह। प्लास्टिक की 2 लीटर की बोतल को बीच में से कट करके सेल्फ वाटरिंग प्लांटर्स बनाए हैं। बोतल्स के ऊपर वाइट कलर का ऑयल पेंट लगाया है। कलर सूखने के बाद अलग अलग तरह की डिज़ाइन बनाई है। ऊपर के हिस्से में सॉइल डालकर प्लांट्स लगाए हैं। आज के वीडियो में आप देखेंगे बॉटल में पौधों को मैंने कैसे लगाया है। प्लास्टिक की ये 2 लीटर की बॉटल है। बॉटल्स को बीच में से कट किया है। वाइट कलर का ऑयल पेंट लगाया है। बॉटल्स के ऊपर मनपसंद डिज़ाइन बनाई जा सकती है। पौधे प्लेन बॉटल में भी लगाए जा सकते हैं। पान का ये पौधा बिना पेंट की हुई बॉटल में लगाया है। पौधों को ऐसे भी लगाया जा सकता है। कलर किए हुए प्लांटर्स ज़्यादा सुंदर लगते हैं। पौधे मैंने बॉटल के ऊपरी हिस्से में लगाए हैं। पौधे बॉटल के निचले हिस्से में भी लगाए जा सकते हैं। सेल्फ वाटरिंग प्लांटर्स बनाने के लिए बॉटल के ऊपरी हिस्से को कैप निकालकर नीचे की कटी हुई बॉटल पे उल्टा करके रखा है। सॉइल को बाहर निकलने से बचाने के लिए बॉटल में पहले पेपर के छोटे 10-12 टुकड़े डाले हैं। पेपर लगा रहने से पानी निकल जाएगा, सॉइल बाहर नहीं निकलेगी। पानी निकलने के लिए बॉटल की कैप में होल भी किए जा सकते हैं। पानी मिलते रहने से कुछ दिन बाद पेपर गल जाते हैं, सॉइल के साथ मिलकर खाद बनाते हैं। रूट्स जल्दी बढ़ती हैं, घनी और लंबी होती हैं। पेपर के ऊपर तैयार सॉइल डाली है। सॉइल जो ली है गार्डन की नॉर्मल सॉइल है। सॉइल को लाइट वेट रखने के लिए पत्तियों की खाद डाली है। 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल है, 50% सड़ी हुई पत्तियों की खाद मिलाई है। सॉइल की जगह पर कोकोपीट में भी पौधे लगाए जा सकते हैं। बॉटल के ऊपरी हिस्से में आधी दूर तक सॉइल भरी है। सॉइल के ऊपर पौधों को लगाया है। रूट्स तैयार करने के लिए पौधे की कटिंग्स लेकर कुछ दिनों के लिए पानी में रखा था। 10-12 दिन में कटिंग्स में रूट्स तैयार हो गई हैं। पौधे रूट्स के साथ हैं, आसानी से लग जाएंगे। रूट्स निकलने के बाद लगाने से ग्रोथ जल्दी होती है। आधी सॉइल भरने के बाद सॉइल के ऊपर पौधे को रखा है। बॉटल में छोटे पौधे या पौधे की कटिंग्स भी लगाई जा सकती है। बरसात का मौसम है, कटिंग्स डायरेक्ट लग जाती है। रूट्स वाले पौधों की ग्रोथ जल्दी होती है। पौधे के सूखने का या खराब होने का डर नहीं होता। 5 बॉटल में मैंने अलग अलग तरह के 5 पौधे लगाए हैं।
किसी में एक पौधा, किसी में दो तीन पौधे एक साथ लगाए हैं। पौधों के नाम: ब्रोकन हार्ट, चार्ली क्रीपर, अर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन की दो वैरायटी अलग अलग बॉटल में लगाई है। एक पौधा फिलोडेंड्रॉन हार्ट लीफ का है। सॉइल के ऊपर पौधों को रखकर रूट्स को कवर करने के लिए थोड़ी सॉइल और डाली है। सॉइल से बॉटल को पूरा नहीं भरा है। पौधों की ग्रोथ होने के कुछ दिन बाद सॉइल डाली जा सकती है। सॉइल डालने के बाद पानी डाला है, सॉइल सेट हो गई है। पौधे में पानी देने के बाद बॉटल के निचले हिस्से में पानी कलेक्ट होता रहता है। पौधा लगाने के दो तीन महीने बाद रूट्स लंबी हो जाती है, बॉटल के निचले हिस्से तक चली जाती है। पौधे को जितने पानी की ज़रूरत होती है रूट्स नीचे से लेती रहती है। रूट्स के थ्रू पौधों को पानी मिलता रहता है, बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। पौधा लगाने के बाद प्लांटर्स को मैंने इनडोर रखा है। यहाँ सुबह की धूप और रोशनी पौधों को मिलती रहती है। सेल्फ वाटरिंग प्लांटर्स हैं। पौधों को बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। पानी डालने के बाद एक्स्ट्रा पानी नीचे की बॉटल में जमा होता रहता है। पौधे की रूट्स पानी में रहती हैं, जितनी ज़रूरत होती है पौधे को पानी मिलता रहता है। 10-15 दिन बाद नीचे की बोतल में पानी कम होने पर पानी दिया जा सकता है। जिस पौधे की रूट्स ज़्यादा लंबी नहीं होती, 2-3 दिन में पानी देते रहना चाहिए। कुछ महीने बाद रूट्स बड़ी हो जाती है। नए लगाए हुए पौधों की रूट्स बड़ी होने में समय लगता है। नीचे जमा हुआ पानी पौधों को नहीं मिल पाता। पत्तियों को साफ रखने के लिए पौधे के ऊपर रोज सुबह एक बार पानी का स्प्रे कर देना चाहिए। पत्तियां ग्रीन रहती हैं, चमक बनी रहती है। पौधे के लिए खाना बनाने का काम पत्तियां तेजी से करती हैं, पौधा हेल्दी रहता है। प्लास्टिक बोतल में लगे हुए पौधों को ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती, पौधे छोटे हैं। न्यूट्रिशन की जितनी ज़रूरत है पानी से मिलता रहता है। सॉइल में मिलाने के बाद मैंने किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। घना हो जाने से ड्राई फर्टिलाइज़र डालने की जगह नहीं रहती। आप चाहें तो महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। पौधों को लगाए हुए एक साल हो गया है, पौधे बड़े और घने हो गए हैं। पौधों की ग्रोथ अच्छी हो रही है, पौधे हेल्दी हैं। सेल्फ वाटरिंग प्लांटर्स बनाने का ये फ़ायदा है, कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाने पर पौधों को पानी मिलता रहता है, पौधे हेल्दी रहते हैं, सूखने से बचे रहते हैं। बेकार पड़ी हुई प्लास्टिक बोतल का यूज़ पौधा लगाने के लिए कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही किसी नए फूल या पौधे के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।